तो शाम के बज गए 7। तो भाई अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये मार्केट अभी धीरे 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 बंद हो रहा है और बहुत ही अलग लग रहा है यहाँ पे, नॉट लाइक अ सिटी वाइब। पूरा ये मार्केट है और हल्की हल्की लाइट, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही और बहुत ही डिफरेंट है। और ऊपर की तरफ अभी मुझे जाना है, खाना खाना है। हल्का सा है, ऊपर लिखा है महाकाड़ी परोठा हाउस पूरी शाक उका भाई पूरी शाक। तो क्या डिफरेंट मेनू मिलता है तो टेस्ट करेंगे। अगर कुछ जो मैं अगर मिसिंग रहा होगा, अगर मैंने कुछ मिस किया होगा तो वो टेस्ट करते हैं और एक एक्सपीरियंस लेते हैं यहाँ का इवनिंग का उका भाई पूरी शाक। यहाँ से थोड़ा सा आपको वॉकिंग करके ऊपर जाना है। अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ तो बैठे आराम से यहाँ पे। तो फिलहाल मैं बैठ चुका हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट्स की कमी रहेगी। और अगर बात करूँ मैं आपको तो थोड़ा सा नॉइज़ आएगा, डेफिनेटली मार्केट एरिया है। थोड़ा सा प्लान में चेंज आ गया, यहाँ पे मैं आफ्टरनून आने वाला था लेकिन टाइम की वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ पाया। लेकिन अगर आप आते हो तो स्पेशली यहाँ पे खाइए, यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ है सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको सब्ज़ी दिखाता हूँ, काफ़ी सारी वैरायटीज़। ये देखिए तरी, देखिए ये आलू है जो तरी वाला दिख रहा है, बहुत ही डिफरेंट दिख रहा है। मैं मुझे मन हो गया थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, उन्होंने बोला कि आप सब्ज़ी देख सकते हो। ये बेसन गट्टा जो यहाँ पे ढोकली बोला जाता है, ढोकड़ी नु शाक, अगर यहाँ पे अगर लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो ढोकड़ी नु शाक, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये थोड़ा सा हल्का सा खट्टापन रहता है इसमें लेकिन बहुत बढ़िया रहता है। ये है जैसे अभी ऑर्डर किया है गाठिया डुंगड़ी, मतलब जो गाठिया रहता है नमकीन वाला, और डुंगड़ी मतलब ओनियन, सब बहुत ही बढ़िया। ये है सेव टमाटर की सब्ज़ी जो हल्की सी स्वीट रहती है, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें ओनियन नहीं होता, तो ये जैन है, प्योरली जैन है, मतलब प्योरली टोमेटो बेस है वो। ये है सूखी सब्जी, सूखा आलू, सूखा आलू बहुत ही डिफरेंट। ये है कम मिर्ची वाला, ये देखिए ग्रीन मिर्ची, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये है जीरा राइस, बहुत ही बढ़िया। और ये जो कड़ी है थोड़ी सी स्वीट वाली, जो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है स्वीट वाली कड़ी, बहुत बढ़िया। और ये गर्मा गर्म यहाँ पे पूरी बनाई जाती है और परोठा भी होता है। ओके, गर्मा गर्म पूरी और परोठा भी होता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म परोठा बनाने के लिए रेडी है, बहुत ही अच्छा हाइजीनिक प्रेजेंटेशन रखा है उन्होंने, देखिए। और ये गर्मा गर्म ये परोठा भी डाल रहे हैं, वाओ बहुत ही अच्छा। जो ऑयल की देखिए क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी दिख रही है, और परोठा उन्होंने जिस हिसाब से रखा था अंदर बना के, जो कस्टमर्स फटाफट आने वाले हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया, तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। ये काफ़ी अच्छा उन्होंने ढक के रखा है जिससे हाइजीन मेंटेन रहे कपड़े में, बहुत ही बढ़िया। तो टाइमिंग आफ्टरनून भी आप आ सकते हैं और इवनिंग में भी आ सकते हैं। इन्होंने अपनी एक ब्रांच अहमदाबाद में शुरुआत की है। तो ये उका भाई पूरी शाक वाला सुरेंद्र नगर में जो है, उन्होंने अपनी ये मैंसन की है, नीचे काफ़ी शोर शराबा चल रहा है। और उनकी ये सेकंड ब्रांच जो अहमदाबाद में है, ये उनका एड्रेस है। अगर आप अहमदाबाद में वीडियो देख रहे हो तो आप यहाँ पे जाके वो टेस्ट कर सकते हो। और नीचे पूरा मार्केट है तो जिसकी काफ़ी नॉइज़ आ रही है, काफ़ी बढ़िया। मैं थोड़ा सा जल्दी आ चुका हूँ और क्योंकि मुझे आगे ट्रैवल करना है तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे भी मिस करना नहीं था, बहुत ही बढ़िया। तो सुबह मैंने आलू की सब्ज़ी खाई थी, रसा वाला, यहाँ पे सूखी सब्ज़ी है। मैं देखूँगा अगर मैं खा सकूँ तो मैं डेफ़िनेटली वो मंगाऊँगा। सुबह परोठा खाया था, अभी मैंने गर्मा गर्म पूरी मंगवा ली है और सेव टमाटर मेरा मिल गया, साथ में एक गाठिया वाली सब्ज़ी और जैन कढ़ी। तो शुरुआत करते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि बटेटा नु शाक तो है ही, देन मेरा फेवरेट जो यहाँ पे मिल गया सेव टमाटा, और प्लस पॉइंट है यहाँ पे गाठिया डुंगड़ी, ये सब्ज़ी है, ढोकड़ी है, सूखा बटाटा मतलब सूखा वाला ड्राई आलू भी है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन जैन भी अवेलेबल मिल जाएगा और नॉर्मली जो खाते हैं आप प्याज लहसुन वो भी मिल जाएगा। तो ये
आपको मिल जाएगा। कुछ सब्जी है थोड़ी सी स्वीट, और जो यहाँ पे काठियावाड़ी स्पेशल है तीखा वाला वो मिल जाएगा। एक्चुअली मैं यहाँ से मेरी नेक्स्ट जर्नी और कंटिन्यू करने वाला हूँ। सौराष्ट्र की जर्नी मेरी काफ़ी लंबी रहने वाली है, और अभी गर्मा गर्म परोस रहे डिफरेंट है। यहाँ पे आफ्टरनून जो परोठा उसमें जो खाया था उससे पूरा डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, पूरा डिफरेंट मेनू है। देखिए यहाँ पे परोठा नहीं है, यहाँ पे गर्मा गर्म पूरी है। क्या बात है, ये है सेव टमाटा जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट, और सौराष्ट्र में एक काफ़ी खाया जाता है। गाठिया डुंगड़ी ओनियन, और ये थोड़ा सा स्पाइसी रहेगा या थोड़ा सा स्वीट रहेगा। ऑलरेडी बटेटा साग मैंने खाया है तो वो मैं नहीं ऑर्डर किया। ये है राइस, और ये यहाँ की कड़ी प्याज डेफिनेटली यहाँ पे देते हैं, और ये बटर मिल्क छाछ दिया ही जाता है। गर्मा गर्म पूरी मिलती है यहाँ पे यार, बहुत ही बढ़िया। अभी मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे अभी सब क्राउड आना शुरू हो रहे थे, जैसे पैक हल्का सा होगा मैं कैमरा मूव करूँगा, तब तक मैं खाना आपको मैं बताता हूँ मुझे पर्सनली कैसा लगा। डेफिनेटली महक तो काफ़ी अच्छा रहा, देखा कितनी सारी सब्जी है, बहुत ही बढ़िया। रेट्स बहुत ही रिजनेबल है, 60 रुपीज़ की सब्जी है और 15 रुपये पराठा या पूरी की है। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, डेफिनेटली आप मेनू क्रॉस चेक कीजिए तो 10 रुपये का फ़र्क हो सकता है टाइम के हिसाब से, मतलब अगर जैसे मैं मेंशन किया है। तो ये सेव टमाटा जो मैं खाया नहीं है उसको मैं बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म पूरी लेता हूँ। ओहो लुक, तो ये प्योरली जैन बेस्ड है, मतलब इसमें ओनियन और गार्लिक का जरा भी यूज़ नहीं हुआ, प्योरली टोमेटो बेस है जो हल्की सी स्वीट रहने वाली है। और यही सौराष्ट्र की पहचान है, सेव टमाटा सब्जी। अब जाके ऐसा लगा कि मैं सौराष्ट्र में आया हूँ। जब तक आप सौराष्ट्र में आते हो और सेव टमाटा की सब्ज़ी नहीं खाते हो, आपका सौराष्ट्र आना अधूरा रह गया। हल्की स्वीटनेस है, हल्का खट्टापन है, लेकिन बहुत बढ़िया है, वन ऑफ माई फेवरेट सब्जी है। और यहाँ का टेस्ट जो ऑथेंटिक सौराष्ट्रियन है बहुत डिफरेंट है। अभी तक मैंने गुजरात में या कई ढाबे पे भी खाए हैं, लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने बोला जो हल्का तीखा बना रहा है वो जो ग्रीन चिली उन्होंने डाली है जो नेचुरली है, और ये टोमेटो बेस्ड है, और ग्रेवी देखिए कितनी ठीक है। अभी देख सकते हो ये अभी धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, कुछ पार्सल्स जा रहे हैं और कुछ कस्टमर्स आना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। ये नेक्स्ट जो है गांठिया और डुंगड़ी, तो ओनियन और गांठिया, और मैंने जैसा आपको बताया कि सौराष्ट्र में ऑयल का यूज़ ज़्यादा होता है और स्पाइसनेस जो गार्लिक है उसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो लेता हूँ मैं पूरी, वाह गांठिया डुंगड़ी, ओह माय गॉड, टोटली ऑपोजिट, सेव टमाटा और गांठिया डुंगड़ी टोटली ऑपोजिट मैं बोल सकता हूँ। और तीखा खाना है तो गांठिया डुंगड़ी जो भी जो, और सौराष्ट्र की पहचान है जैसे मैंने बोला गार्लिक की तीखा वाला, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। आपको थोड़ा सा अगर स्वीटनेस वाला जाना है, सेव टमाटा जो यहाँ की शान मानी जाती है सौराष्ट्र की, और यहाँ उका भाई पूरी शाक बड़ा बहुत ही बढ़िया, जो मेरी फेवरेट कड़ी जो उन्होंने बताया पहले से कि स्वीट रहेगी हल्की सी। मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन चिली, सम ब्लैक पेपर और कुछ तड़का लगाया हुआ है। ओ वाओ इतने भी स्वीट नहीं है, कड़ी बहुत ही बैलेंस्ड है, और पर्सनली ऐसी कड़ी मुझे बहुत पसंद है जिसमें हल्का सा स्वीट का टच रहता है, बहुत ही बढ़िया। जो सुरेंद्र नगर या अहमदाबाद में हूँ तो उनकी जो सेकंड ब्रांच है आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। सुरेंद्र नगर में आते हो तो आप यहाँ पे मस्ट ट्राई। तो जैसे मैं लोकल से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि 8 बजे के बाद यहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे पूरा मेला लग जाता है, पूरी खाने की लॉरीज लग जाती है, मतलब छोटे छोटे एक खिलौने जो बच्चों के खेलने के लिए वैसा एक फन फेयर लग जाता है। सेव टमाटा गांठिया डुंगड़ी कड़ी पूरी राइस और बिना बटर मिल्क के सौराष्ट्र में खाना अधूरा है।